जी शुभ, तो क्लास शुरू करते हैं, बाकी साथी भी आपके आ जाएंगे मेरे यस साथ यस 1-2 मिनट सर। में। आप थोड़ा मुझे बताएं, तो बनी मुझे बताएं, यू हैव टू टेल मी अबाउट फ्यूचर डेफिनेट टेंस, हाउ यू कैन डिफाइन इट। क्या चीज सर? फ्यूचर फ्यूचर डेफिनेट टेंस, हाँ इंडेफिनिट टेंस सर होता है उसके बारे में बताएं जरा उर्दू में मुझे सर या इंग्लिश? जी। अस्सलाम वालेकुम वाह सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इस जमाने जी आप क्या कह रहे हैं शुएब, आप बताएं ना मुझे डेफिनेशन उसकी, फ्यूचर डेफिनेट टेंस की। में किसी काम का आने वाले वक्त इस जमाना में किसी काम का आने वाले वक्त इस में करने के जमाना बारे में में, किसी काम का करने आने आने वाले वक्त में करने के के, बारे में सोचा जाता है, सोचा जाता है। वर्ब जी की वर्क पहली की हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है। जी आगे प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी ही शीट और दे यू के साथ विल का प्रोनाउन इस्तेमाल बतौर मिलादी करो। सब्जेक्ट यानी ही या शीट सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। आई यू के साथ इस्तेमाल, अगर इरादा काम करने का मजबूत हो तो आई यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है, अगर इरादा कमजोर हो तो आई यू के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। विल और शैल का मतलब है, गा गी अगे है। ओके okay? इस टेंस की पहचान के लिए जो कि आखिर में लिखेगा पढ़ेगा खेले खेलेंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होता है। सर जी तो आज हमारी एग्जांपल्स हम शुरू कर रहे हैं, सर तो मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप वो देख लें। आपके वो देखा मैंने, आप इफ का जो नहीं, आपने इफ एफ आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है ना? यस सर। और जब आप अभी लॉकडाउन खत्म होगा ना, आप आएंगे आप 24 को, तो फिर वो काम एकदम मुझे फिर चेक करा देना, ठीक है? इवन छोटी अच्छा सर। मोटी गलतियां होंगी वो भी मैं देख लूंगा, क्योंकि काफ़ी काम होते जी हैं सर। फिर जो है ना, वो काफ़ी स्टूडेंट भेजते हैं काम, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा उसको फिर देख लूंगा मैं, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। हाँ तो इसमें एक मैं गलती नोट की, एफ जो है ना वो आई इफ इफ होता है आई एफ, जवाब में आई लिखा यस तो उसको ठीक कर सर। लेना, बाकी भी देख लूंगा दोबारा मैं इनको, ठीक है ना? ओके सर। ओके तो चलें जी आप काम को शुरू करते हैं। आज हमारी एग्जांपल्स हैं फ्यूचर डेफिनेट टेंस की, उसको मैं यस रिपीट सर। कर दूँ एक दफ़ा फिर। फ्यूचर डेफिनेट टेंस उर्दू में इंग्लिश में, इस ज़माना में किसी काम का आने वाले वक्त में करने के बारे में सोचा जाता है, वर्ब की पहली हालत या शक्ल का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी ही शी टू दे यू के साथ विल का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है, प्रोनाउन द सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल बतौर अमदादी फेल होता है, अगर काम करने का इरादा आने वाले वक्त में मजबूत हो तो आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल होता है, और काम करने का इरादा कम जो है मजबूत ना हो तो सूरत में आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है। विल और शेल का मतलब गा गी या गे है, इस टेंस की पहचान के लिए जुमले के आखिर में लिखेगा पढ़ेगा खेलेंगे वगैरह का इस्तेमाल जरूरत के जाओगे मुताबिक होता है। अब इंग्लिश में, इफ वी थिंक टू डू एनी वर्क इन कमिंग टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस, we use will as helping verb with pronoun of subject he she it and they you, we use shall as helping verb with pronoun of subject I and we, if we have strong will then we use will as a helping verb with pronoun of subjects I and we, if we have not strong will then we use shall as helping verb with pronoun of subject I and we। okay ये आपको मैं लिखवाया था। अब जरा ओके एग्जांपल शुरू करते हैं, तो मामला पिछला फ्रेश अप करना बहुत जरूरी है। ओके एग्जांपल्स, सर। ये आपका टेंस चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा आने वाला बात। He will go to college.
वो कॉलेज जाएगा. She will she will eat an apple. वो भी एक वो सेब खाएगी. She will eat an apple. It will rain tomorrow. कल बारिश होगी. Number four, they will play the match. They will play the match. वो match खेलेंगे. Number five, I shall. I shall take the medicine. मैं दवाई या दवा लूंगा. I shall take the medicine. या मैं मुजाकरा तो लूंगा, मोनिसा तो लूंगी. I shall take the medicine. दवाई या दवा दोनों ठीक है. Medicine. Number six. We shall complete the work. हम काम मुकम्मल करेंगे. Number seven. Seven. You will speak the truth. तुम सच बोलोगे. Speak the truth. Speak your spelling sir. जी. Speak your spelling. SPWK. कौन सा नंबर है? Speak seven. Speak SPEAK. SP S for sugar, P for Pakistan, E for ear, A for apple, K for kilo. SPEAK. Okay. Next. I will win the match. मैं मैच जीतूंगा. या मैं मैच जीतूंगी. आई विल विन द मैच. दोनों के लिए मुज़क्कर मुअन्नस के लिए ये आई इस्तेमाल होता है. आई विल विन द मैच. आई विल विन द मैच. नंबर नाइन. वी विल गेट द सक्सेस. हम कामयाबी हासिल करेंगे. वी विल गेट द सक्सेस. ये आपके सामने है. He will go to college. She will eat an apple. It will rain tomorrow. They will play the match. I shall take the medicine. We shall complete the work. You will speak the truth. I will win the match. We will get the success. लिख लिया सर. और कर लें नंबर्स. इसको 15 हमने करनी है, बल्कि 15 16 करेंगे इस तरह करके. मिटा दें सर. जी. ही विल
रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगा. ही विल रीड अ बुक. ये आपके सामने है इसलिए. सयाल है वो, नजर नहीं, यूनस नहीं है, पता नहीं क्या. उनको काम भेज दीजिएगा. सही है सर. अच्छा, ये जो है मैंने कहा था आने वाले वक्त में काम करने का सोचा जाता है. ही विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगा. अब जाहिर है ये आप देखें कि ये वक्त अभी आया नहीं है, तो उसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है ना, बात की जा रही का मतलब ये, जैसा बात करता है तो साथ सोच भी रहा होता है उस वक्त के बारे में. ही विल गो टू कॉलेज, अब यहाँ पर आप कर सकते हैं शी विल गो टू कॉलेज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क. ठीक है, दे विल गो टू कॉलेज, आई शैल गो टू कॉलेज, वी शैल गो टू कॉलेज, यू विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू कॉलेज, वी विल गो टू कॉलेज. और ये आपके सामने जो है इस तरह एग्जाम्पल बना सकते हैं आप. ठीक है, अब मैंने कहा था कि आई और वी के साथ अगर हम विल लगाएंगे ज्यादा पक्का होगा, कच्चा होगा तो शैल लग जाएगा, तो मैंने आपको बताया था. तो इसका आपने ख्याल करना है, इधर को उधर ना कर देना. ये ख्याल करना है आपने कि विल आई वी के साथ शैल किस सूरत में लगेगा और विल किस सूरत में लगेगा. विल तब लगेगा आई वी के साथ प्रोनाउन या सब्जेक्ट आई वी के साथ अगर इरादा पक्का होगा तो विल लगेगा, इरादा कच्चा होगा तो शैल लगेगा. आजकल जो माहौल चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि सबके साथ विल लग रहा है आजकल. ओके, आजकल नाउ अडेज. लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में कि आई और वी के साथ विल और शैल का मामला क्या है, या वो पता होना चाहिए. ठीक है ना, ये कभी टेस्ट में आ जाता है, आपके पेपर में आ जाता है, कहीं आप सी एस एस का एग्जाम देंगे वहाँ पे आ सकता है. ये जो जो है ना जो है पी एस सी जो इम्तहान लेता है सी एस एस का गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए 17 ग्रेड का, वहाँ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है ना ये बड़ी प्रीशियस होती है. इसको आप सीखें, लोगों को जाके बताया करें इसके बारे में, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी. अब ये सारे काम जो है फ्यूचर में करने वाले हैं, अभी हुए नहीं है काम क्योंकि वक्त नहीं आया. अब ये बारिश है, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी. अब ये जो है एक सोचा गया इसके बारे में, वो वक्त नहीं आया. दे विल प्ले द मैच, ये भी जो है मैच हम वो मैच खेलेंगे. आई शैल टेक द मेडिसिन, मैं दवा लूँगा, मैं दवा लूँगी, इरादा कच्चा है यहाँ पे. वी शैल कम्प्लीट द वर्क, हम काम मुकम्मल करेंगे काम जो है, इरादा कच्चा है. यू विल स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलोगे. आई विल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा, इरादा पक्का है, मजबूत इरादा है, तो विल लग गया आई के साथ. वी विल गेट द सक्सेस, वी विल गेट द सक्सेस, हम कामयाबी हासिल करेंगे, इरादा पक्का है, वी के साथ विल लग गया है. ही विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगा. ये सामने आप, तो इसी तरह आपने होमवर्क करना है. आप एग्जाम्पल अच्छी खासी बना सकते हैं, इसमें से क्रिएट कर सकते हैं आप. अब इसको अभी मजीद हमने अभी 5 या 6 या 7 और कर लेंगे इसमें एग्जाम्पल, ताकि आपके पास जो है प्रैक्टिस का जो मवाद है, मटेरियल है, वो ज़्यादा हो और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप. इफ़ यू हैव टू डू मच प्रैक्टिस, सो इट इज़ योर ओन बेनिफिट, या आपका पर्सनल बेनिफिट होगा, ज़ाती फ़ायदा होगा आपका. आपका जी आई और वी के साथ शेल लगाएंगे सर ना, इरादा कच्चा होगा लगाएंगे ना, इरादा पक्का होगा बिल लगाएंगे. लेकिन आजकल जो सिस्टम प्यार रहा है, सब उसे बिल लग रहा है. ओके ओके सर. आजकल सब उसे बिल लगा रहे हैं, आजकल वो पुरानी चीजें खत्म होती जा रही है, लेकिन असल जो इन्फॉर्मेशन वो पुरानी जो नॉलेज है ना, वही असल नॉलेज है. ठीक है, याद रखिएगा. आप उसे पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए इस बारे में. यू मस्ट नो अबाउट. ओके सर. यस, नेक्स्ट आई गो अहेड नाउ. Number 11. She will finish finish her homework. वो अपने घर का काम जो है खत्म करेगी. आपको ठीक है, बात समझिए आपको. ठीक है सर. शुरू में लगाएंगे तो हर का मतलब उसका, ये होता है मोनस के लिए जो है
फीमेल के इस्तेमाल करते हैं हम, और अगर बात एंड पे आएगा तो फिर जो है अपना। ओके या सीखेंगे ना एक्टिव कैसे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है दे विल टेक द डिनर, वो रात का खाना लेंगे, दे विल टेक द डिनर। They will take the dinner. 13. You will drink water. तुम पानी पियोगे. Drink water. Number 14. I shall take tea. मैं चाय लूंगा या लूंगी। वी शैल वॉच द टीवी, हम टीवी देखेंगे। वॉच द टीवी। सिक्सटीन हो जाएगा कि आई विल राइटिंग अ लेटर, कुछ और कर लें। आई विल कम बैक फ्रॉम मरी, मैं मरी से वापिस आऊंगा। फ्रॉम मरी। नंबर 17, बस 17 कर लेंगे। और क्या स्पेलिंग है किसका? मरी मरी, एम यू डबल आर डबल ई, एम यू डबल आर डबल ई, डबल आर डबल। अच्छा लोग, ओके सर, अच्छा लोग सिंगल ई या सिंगल ई आर लगाए थे तो गलती हो जाती है। वी विल रीच एट रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वी विल रीच एट रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। ये ले। We will reach, आगे क्या है? We will reach at railway station. At railway station. ये याद रखें, ये लिख लें पहले, फिर बता दूंगा आपको। We will reach at railway station. अब इस बात को याद रखें, लिख लिया आपने? ये बात आपने भी? Yes sir. दोनों लिख लिया। अच्छा, मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि रेलवे स्टेशन जहां पर भी आएगा उससे पहले आपने हमेशा एट लगाना है, ये याद रखें। तो खास मकाम जो होता है उसके लिए आप एट लगाते हैं। ओके, उससे पहले, उस मकाम से पहले। एट एयरपोर्ट, ओके, एट होम, ओके, याद रखेंगे इन बातों को। यस सर। ये तारीखी जगह है। यस सर, मैंने लिख लिया। तारीखी शहर है एट लाहौर, एट मीनार पाकिस्तान, एट शालामार गार्डन, एट ये लखत बाग जो है, एट लखत बाग, लालपिंडी में जो है एट लखत बाग, इस तरह। ठीक है, तारीखी मकामात या अहम पॉइंट होते हैं वहां पर एट लगाते हैं आप। अब यहाँ पे आपने जो होमवर्क करना है वो ये है, शी विल फिनिश हर होमवर्क, ही विल फिनिश हर होमवर्क, दे विल फिनिश देयर। अगर आप करेंगे दे तो यहाँ पे देयर आ जाएगा, टी एच ई आई आर। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ई एच ई आई जमा में तो फिर टी एच ई आई आर हो जाएगा। देयर का मतलब होता है उनका, लेकिन यहाँ पे होगा अपना, एक ज्यादा लोगों के लिए, टी एच ई आई आर। They will finish their homework. फिर है सर, एक बार फिर रिपीट कर ले, कर दे दे वाली। किसको? देयर, दे वाली सर, जो देयर, देयर। यस सर, यहाँ पे देयर आ जाएगा। यस सर, अगर कहेंगे दे विल फिनिश देयर होमवर्क, टी एच ई आई आर हो जाएगा, लिख लें आप, दे विल फिनिश देयर होमवर्क, टी एच ई आई आर।
दे विल फिनिश देयर होमवर्क. यू विल फिनिश जो है फिर यहां पे आ जाएगा यू विल फिनिश योर होमवर्क अपना योर यू विल फिनिश या ऐसे करो छोड़ो छोड़ो हिज कर लो हिज यू विल फिनिश हिज होमवर्क हिज होता है अपना एच आई एस ओके ये भी लिख लें आप ओके सर यू विल फिनिश हिज होमवर्क. अच्छा इसी तरह ये है आई शैल फिनिश हर होमवर्क आई शैल जो है फिनिश हिज होमवर्क मोनस है तो जाहिर है आप पता ही आपको वहां है बना मुझे हिज लगेगा. फिर है वी जो है वी विल फिनिश वही आ गया देयर होमवर्क जैसे दे में अब टी एच ई आई आर लगा यहां पर भी टी एच ई आई आर आ जाएगा. इसी तरह आगे आ जाएगा आई विल फिनिश माई होमवर्क आई के साथ माई आ जाएगा ठीक है ना माई अपना आई के साथ यहाँ माई आएगा ठीक है लिख रहे हैं आप. यस सर. हाँ और आगे आप देख लें इस तरह आपने करना है. ये एग्जाम्पल बना लेंगे आपकी बन जाएगी आपकी 50-60 बन जानी है आपकी सवाई इट के आप एग्जाम्पल सारी बना सकते हैं आप प्रोनाउन चेंज कर देंगे एग्जाम्पल वही रखें. हो गया क्लियर? यस सर. जी कैसा वर्ड को समझ स्पेलिंग समझ में आ रहे हो पूछ लिया मेरे से सब क्लियर है ना? क्लियर है सर. ओके यार होमवर्क करके मुझे भेज देना उनको सियाल को उसको भेज देना होमवर्क करके ना उनको व्हाट्सएप उनको कर देना ओके सर भेज देना ठीक है. और ग्रुप में मुझे भेजेंगे सबको मिल जाएगा ये फायदा हो गया ना. तो अच्छा अब है वोकैबुलरी का टाइम है वोकैबुलरी हमारी कितनी माशाल्लाह होगी अभी तक काउंट किया डिड यू काउंट लगभग है सर. ये ना नोट करें यार मैं लिख रहा हूँ हमारे वो सिस्टम में डालते हैं ना हम इसको लोड करते हैं ना सिस्टम में तो उसके लिए टाइम लिख रहा हूँ क्लास का ठीक है ना ये उनके लिए रिकॉर्ड के लिए. अच्छा जी आपका टाइम है वोकैबुलरी है अब जो कितनी वोकैबुलरी होगी आपकी हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी यू हैव डन 220 सर. आर यू श्योर? यस. आपके नेम ऑफ एजुकेशन हो चुके थे आपके क्या सर नेम ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों के नाम हो गए थे आपके नहीं लिखे नहीं हुए सर नेम ऑफ वेजिटेबल्स नहीं हुए इंग्लिश के इंग्लिश में. अच्छा टेबल नेम नहीं हुए. चलो वो आज वो शुरू करते हैं ठीक है. ठीक है सर लिखें. ओके सर लिखें जी ऑनियन ऑनियन है प्याज ऑनियन प्याज है पोटैटो है आलू टोमेटो है ऑनियन के स्पेलिंग बोलें किसके ऑनियन O-N-I-O-N O-N-I-O-N O-N-I-O-N
अनियन के बाद है पोटाटो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटाटो, टोमाटो, चिल्ली, हरी मिर्च, सिंगल एल आता है चिल्ली में, सी ए, लोग डबल एल लगा रहे हैं बाहर, इसमें सिंगल एल आता है, सी एच आई एल आई, चिल्ली, हरी मिर्च, मिंट है, पुदीना, मिंट है, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर में सिंगल आर आ रहा है, इसमें डबल आर नहीं, लोग डबल आर लगा रहे हैं, कोरिएंडर है, धनिया, कोरिएंडर, पंपकिन है, कद्दू, पंपकिन, पंपकिन है, कद्दू, पंपकिन, ये आप कल नहीं बल्कि फिर इधर ही लिख दूंगा आपको ना। लिख लिख लिया दोनों ने, जवाब में लिख लिया ये पीकन किसको कहते हैं, किसको? लास्ट वाला पीकन, पंपकिन, क्या कद्दू, पंपकिन, कद्दू, कद्दू, पी यू एम पी के कद्दू। आई एन, अच्छा, पी यू और ऊपर एम वाला सर, पी के आई एन, ओके, सर ये ऊपर वाला क्या है? कोरिएंडर, ये से पहले यस सर, कोरिएंडर, सी ओ धनिया, आर आई ए एन डी ई आर, धनिया, धनिया, अच्छा, हो गया ओके, यस सर, सेवन, हो गया बर्ड आपके, ये 15 करने हमने हम प्रैक्टिस करानी है इसकी ताकि आपको याद हो जाए, थोड़ा मुश्किल थोड़े से हैं ये, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे आते हैं, आपको आ गया, अच्छा हो गया, आप इसका सिखाए लोगों को जाके। अच्छा, इसके बाद है क्यूकम्बर, खीरा, क्यूकम्बर, खीरा, सी यू सी यू एम बी ई आर, क्यूकम्बर, रेडिश, रेडिश है मूली, रेडिश मूली, कैरेट, कैरेट, गाजर, कैरेट, गाजर, अच्छा इसके बाद है हमारे पास ओकरा है, भिंडी, ओकरा, भिंडी, उसको लेडी फिंगर, फिंगर भी कहते हैं, लेडी फिंगर, ये भी भिंडी है, ओकरा भिंडी को कहते हैं। ये भी भिंडी है, लेडी फिंगर। पीज इसके बाद है हमारे पास पीज, मटर, पी ई ए एस, पीज है, इसका मौसम भी चल रहा है, सीजन भी आ गया है, पीज, मटर, और बीन्स, बीन्स है फलियां, बीन्स फलियां, ये भी सब्जी है, वेजिटेबल है ये, दो वर्ड रह गए आपके। सर अभी 20-20 ना किया करें। नहीं, 15 ठीक है यार, 15 ठीक है, ओके सर, आप ऐसे में करना है ना इनको, बात स्टूडेंट जल्दी पिक करते हैं, बात थोड़ा दरमियाने होते हैं, अभी आप क्या रहे बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, कमजोर होते हैं, जल्दी से पिक करते हैं, 15 वर्ड मुनासिब है। ओके ओके, कोई अभी चलती रहेगी लिख आपकी, लिया वो सर, मसला नहीं है, वो चलती रहेगी आपकी, वो बेफिक्र हैं आप, चलें जी, लिख लिया आपने, हैव यू डन, यस सर, दो वर्ड रहेगी यस आपके सर, ये। अच्छा, अब है टर्निप, शलगम, टर्निप, टर्निप है,
शलगम भी कहते हैं इसको, शलजम भी कहते हैं। टर्निप आखिरी वर्ड आपका है याद का, वो है गार्लिक, लहसुन, गार्लिक है। बाकी कल करेंगे, सुविधा रह गई हमारी। गार्लिक है लहसुन, गार्लिक, GARLIC, गार्लिक लहसुन। शलगम को क्या कहते हैं सर? टर्निप जी, शलगम को सर क्या कहते हैं? टर्निप सर, टर्निप, टर्निप, यस सर। अच्छा, तो सेशन जो है 10 मिनट का खत्म हो जाएगा ना, क्लास का 40 मिनट का सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है, मान लीजिए क्लास खत्म हो जाएगी 40 मिनट तक, ठीक है? ओके सर, जैसे ही एंड होगा तो क्लास एंड हो जाएगी, ओके, क्योंकि क्लास हमारी खत्म होने जा रही है। हाँ, 10 मिनट सिस्टम ने हमें बता दिया कि 10 मिनट रह गए हैं, सिस्टम क्लास अपडेट नहीं होगी, फिर 40 मिनट क्लास आपकी होगी आज, वैसे भी क्लास कम्प्लीट आपकी होगी। अच्छा, इसको देख लीजिए, आपको 3 टाइम्स करना है, आपने 3 टाइम्स करनी है, वो कबड्डी आपने मुझे फिर होमवर्क मुझे भेज देना है आपने, ओके ओके सर, रिपीट करते हैं। अब उसको देख लें अच्छी तरह, मैं आपको इतना पढ़ देता हूँ जो वर्ड आज मैंने करवाए हैं आपको, ओके? आप इंतजार करिएगा इसको, आप गौर से देख लें। ऑनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, पोटैटो, टोमाटो, टमाटर, चिल्ली, हरी मिर्च, और उसके बाद पंपकिन, कद्दू, मिंट, मिंट है पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, यस सर, कोई मिस हो गया आगे पीछे मुझे बता दीजिएगा। पंपकिन, कद्दू, पंपकिन कद्दू है, रेडिश, मूली, आप टिक करते जाए ना उसको, टिक करते जाए मुझे बता, टिक करते जाए, कोई मिस हो गया मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? शुरू से मैं बोल रहा हूँ, फिर शुरू से बोल रहा हूँ। ऑनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, टोमाटो, टमाटर, चिल्ली, हरी मिर्च, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, और पंपकिन, कद्दू, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, क्यूकम्बर, खीरा, टर्निप, शलगम, गार्लिक, लहसुन, कौन सा मिस हुआ है? भिंडी, भिंडी, ठीक है, ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर, भिंडी, बस मटर, और क्या है? मटर सर, पीस, मटर, बिल्कुल ठीक है, पीस, मटर, बीन्स, फलियां, 15 हो गए पूरे, यस सर। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, आप फिर टिक करें इसको, आपका प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं सिर्फ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश। ये है जी ऑनियन, पोटैटो, टोमाटो, मिंट, कोरिएंडर, पंपकिन, टर्निप, रेडिश, क्यूकम्बर, ओकरा, लेडी फिंगर, पीस, बीन्स, जी कितने हो गए? ठीक कर रहे हैं आप इसको? 13 हुए, यस सर, 13 हो गए, दो रह गए, दो कौन से हैं? दो ये गाजर, कैरेट, और दूसरा सर ये पुदीना, वो तो बोल दिया था मैंने। चलें, अभी आप मुझे जो है ना, आप पढ़े दोनों बारी बारी, पहले शुए पढ़े इंग्लिश और उर्दू दोनों। इंग्लिश, यस सर। ऑनियन, ऑनियन, प्याज, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, चिली, हरी मिर्च, मिंट, धनिया, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, पंपकिन, कद्दू, कोकम्बर, खीरा, रेडिश, मूली, सर गाजर को सर, कैरेट, कैरेट, कैरेट सर, कैरेट, कैरेट, भिंडी को ओकरा या लेडी फिंगर, मटर को पीस, और फलियां बीन्स, शलगम को टर्निप, और गार्लिक लहसुन को।
सर ठीक है, अभी मैं ये अपना आप बड़ो शुए अपना जवाब। अनियन प्याज ऑनियन, पटाटो टोमेटो टमाटर ये देखो चिली ऑनियन प्याज टोमाटो आलू, ठीक है ना, पोटैटो आलू टोमाटो टमाटर, आगे चलो। चिली हरी मिर्च मिंट पुदीना ओरिएंडर धनिया पम्पकिन कद्दू कोकम्बर खीरा क्यूकम्बर, रेडिश मूली रेडिश, ये ठीक कुकम्बर है, आगे कैरेट, कैरेट गाजर कैरेट गाजर ओकरा भिंडी या लेडी फिंगर बीस मटर बीन्स फलियां टर्निप शलगम या शलजम गार्लिक लहसुन ठीक है। इसको फिर मैं पढ़ूं, आपका एक्सेंट थोड़ा ठीक हो जाए, तो प्रोनाउंसिंग का थोड़ा मसला आ रहा है मामूली सा, मैं बताता हूँ, आप सुनते जाएं, कोई मिसिंग कोई मुझे आपने बता दीजिएगा कोई मिस हो गया तो। अनियन, पटाटो पोटैटो, टोमाटो, चिली, मिंट, कोरिएंडर, रेडिश, कैरेट, ओकरा, लेडी फिंगर, पंपकिन, पीस, बीन्स, गार्लिक, टर्निप, जी कितने हो गए, 15 हो गए। यस सर 15 पूरे हो गए जी। इसमें थोड़ा सा बस ख्याल करना है, आपने आपकी प्रैक्टिस किया करें, आप बोला करें, जब संडे का जाते हैं तो वहां पे आप जेन में रिवाइज किया करें चीजों को, लोगों से भी इंग्लिश में इसको यूज किया करें। ओके, क्यों भाई, देखें ओके सर इंग्लिश जो है ये आपको लोगों में इंप्रेस करने के लिए भी जरूरी है, काबिलियत के लिए भी जरूरी है, तरक्की के लिए भी जरूरी है, इसके कितने फायदे हैं, इसका ट्रेंड भी है, रुझान भी है, इस जबान के इंटरनेशनल बैन अवी तौर पर ये जबान जो है इसकी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। तो आप मोस्टली वर्ड्स को जो आपके पास आपके रिकॉर्ड में हैं इनको यूज किया करें, लोगों से जब टॉकिंग करते हैं आप, लोगों को पता चले कि आर यू कॉन यू आर कॉन्शियस अबाउट इंग्लिश, ये आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, लोग भी सीखेंगे आपसे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्या ख्याल है, ठीक है, कमर कोई ओके सवाल तो नहीं है जी। गार्लिक जी अपना सवाल तो नहीं कोई आप कह रहे, जी सर बस ठीक है, इसको आपने होमवर्क करना है और मुझे आपने भेज देना है, यस सर तो इंशाल्लाह फिर आगे क्लास शुरू करेंगे फजीद फर्दर इंशाल्लाह, नेक्स्ट आपका टेंस है आगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है आगे, तो यस सर मामला बढ़ते जा रहे हैं आपके, किसी चीज़ को रिवाइज किया करें, ये ना हो कि आगे बढ़ते जाए पीछे ना छोड़ते जाएँ, इसको देखा जाए अपने प्रेजेंट पार्ट ऑफ स्पीच से लेके आज तक जो भी है इसको देखा करें, कभी भी देखा करें, ताकि आपके टेस्ट में आपकी आसानी हो जाएगी आपके लिए कमिंग टेस्ट में भी। तो ठीक है, फिर मैं खैर क्लास को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होगी आपसे, क्लास जल्दी ख़त्म होगी आज हमारी, यस कभी सर जल्दी हो, कभी टाइम पे ख़त्म होती है कोई पार्ट ऑफ लाइफ का, क्लास तो कम्प्लीट हो जाती है। ओके, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, ओके, विश यू गुड लक, यस सर गुड अल्लाह हाफिज़। लक सर Yeah.